मैं आपको दिखा दूं कि ये एरिया पूरा लगभग खाली ही है। वैसे भी एरिया शांत ही रहता है, लेकिन मैक्सिमम खाली है, आपको कोई दिख नहीं रहा होगा, एक दो लोग भी नहीं दिख रहे होंगे, और सारी दुकानें बंद है। उधर आपको दुकान दिख रही होगी, मैं एक सेकेंड जूम करता हूँ, हाँ ये भी बंद है, और तमाम एरिया पूरा खाली, गाड़ियाँ अपनी पार्किंग में लगी हुई हैं, ये बन रहा है, ये भी खाली है, सब खाली, माहौल बहुत शांत है। एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ मैं स्पेशली, कि जिंदगी में कब एक आम सिटीजन को देश की सेवा करने का डायरेक्ट मौका मिलता है, यू नो, देश प्रेम दिखाने का डायरेक्ट मौका मिलता है, वो तब जब या तो वॉर की सिचुएशन हो, कोई क्राइसिस हो, कोई इमरजेंसी हो, और ये जो कोरोना की सिचुएशन है उससे कोई कहीं कम नहीं है। आपका कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना है कि आपको घर बैठना है, अपने कंफर्ट जोन में रहना है, आराम करना है, मूवी देखनी है, सोना है, हर वो चीज़ करिए जो बहुत समय से आपको वेट है कि आपको करना है, आप कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको छुट्टी नहीं मिल रही है, और अगर आप छुट्टी लेते हैं तो उसकी अकाउंटेबिलिटी बैठती है, आपको सैलरी कटती है, अगर आप जॉब करते हैं, आप स्टूडेंट हैं तो आपकी अटेंडेंस कटती है, तो घर पर बैठिए, हर वो चीज़ करिए जिसका आपको बहुत समय से इंतजार था, और इससे आप सपोर्ट कर रहे हैं। इमेजिन करिए कुछ ना करके आप सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट का एट अ लार्ज स्केल, और आप एक कैरियर नहीं बन रहे, आप चेन को ब्रेक कर रहे हैं। वैसे भी 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ बहुत बड़े बड़े मार्जिन से बढ़ रहा है, 20-30-50 रोज बढ़ जा रहा है, तो इस चीज़ को तोड़ना तो पड़ेगा ना, आज तोड़ सकते हैं लोग। मैंने जो आपको दिखाया जैसे खाली है, बहुत लोग कई फोटोज डाल रहे हैं कि बहुत सारे एरियाज खाली हैं, बिल्कुल लाएंगे, लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि आके शाम को थाली बजाओगे तभी कोऑपरेशन होगा, वो तो ये है कि आप चेयर कर रहे हो, वीडियोज़ वायरल होंगी और वो वीडियोज़ टीवी पर दिखाई जाएंगी, तो जो हमारी आर्मी है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनको समझ में आएगा, जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं जो लगी हुई हैं, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, उसको बूस्ट मिलेगा, उसको और इंकरेजमेंट मिलेगी कि हाँ मेरी जनता मेरी बात मानती है, हाँ मेरी जनता मेरा सपोर्ट करती है, हाँ मेरी जनता मेरे साथ है, तो उसके पीछे तो खड़ा होना चाहिए ना एटलीस्ट आज की डेट में, तो हो जाओ यार पॉलिटिक्स रिलीजन छोड़ के, आज की डेट में सिर्फ इंडियंस हैं, एक दूसरे को बचाओ, चेन को ब्रेक करो, और यहाँ देशभक्ति वाला काम कर दो, थोड़ा सा एक दिन के लिए बन जाओ। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जो निकल रहे हैं लोग वो देशद्रोही वाला काम तो कर रहे हैं, एटलीस्ट आज की डेट में अगर आप घर पे रह के कुछ ना करके कुछ किसी को बचा सकते हैं, तो निकल के किसी को खतरे में क्यों डाल लें, तो उनके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। भारत में, भारत में जो देशद्रोही हैं उनकी माँ का, भारत में जो देशद्रोही हैं। कभी कभी रूड होना पड़ता है क्योंकि जनता समझती नहीं है, जनता नहीं समझती है कि सिचुएशन क्या है, और जो नहीं समझते हैं ऐसे मैसेजेस सिर्फ उनके लिए ही हैं, तो समझ जाओ, वीडियो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अच्छा चलो कुछ ना करो, मैसेज स्प्रेड करो, सबको रोको, फ़ोन कॉल करके रोको, जैसे भी रोकना है रोको, एक दिन नहीं 2 दिन नहीं 3 दिन, जब तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से फर्दर नोटिस नहीं आता घर में रहो, आराम करो, जब तक कोई बहुत नेसेसिटी ना हो, एकदम ऐसा ना हो कि नहीं निकलोगे तो बहुत आपदा आ जाएगी, तब निकलो, सब सपोर्ट करेंगे, और बाकी सरकार ने कहा किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, तो कोई चीज़ बल्क में मत खरीदो कि लोगों के यहाँ कमी पड़ जाए, ठीक है, समझदारी से काम लीजिए, कुछ घबराने वाली बात नहीं, सब कंट्रोल में हो जाएगा, बस आपका साथ जरूरी तो है ही। जय हिंद, वंदे मातरम।